So students, now we switch over to our next topic, and that is Fraunhofer diffraction at double slit. अब ये लास्ट टाइम हमने जो किया था, हमने सिंगल स्लिट के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी की थी. आज हम डबल स्लिट की बात करेंगे. तो हम उसके लिए एक प्लेन वेव कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है. जैसे ये मैंने दिखाया, ये प्लेन वेव फ्रंट है, एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखा दिया. ये यहाँ आगे बढ़ रहा है, ये जो एरोज दिखाए यहाँ पे, ये यहाँ मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ. ये रेज ऑफ लाइट है, तो इसीलिए ये जो कलेक्शन ऑफ रेज बना, ये बीम ऑफ लाइट बन के ये सामने आ रहा है. और ये जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ये हमारी डबल स्लिट के ऊपर इंसिडेंट होता है. अब आप सोचेंगे डबल स्लिट कैसे है, तो ये मैं आपको बता दूं. यहाँ A1 से लेकर B1 तक ये पहली वाली स्लिट है, और इसकी जो विड्थ है वो D है. और फिर B1 से लेकर A2 तक ये ऑब्स्टेकल आ गई, ये स्लिट नहीं है. ये V1 से A2 तक ये इसकी थिकनेस B है. और उसके बाद फिर हमारी दूसरी स्लिट आ गई A2 B2. ये A2 से B2 तक इसकी भी जो हमारी विड्थ है वो D ही है. यानी कि जो दोनों स्लिट्स हैं A1 B1 और A2 B2, ये दोनों की जो विड्थ है वो D ईच. और उन के जो एजेस हैं, जैसे इसका B1 और निचले वाली का A2 है, उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल b. अब जो हमारी स्लिट A1 B1 है, उसका जो सेंटर है वो C1 है. और जो हमारी स्लिट A2 B2 है, उसका जो सेंटर है, उसका यानी मिड पॉइंट, वो C2 है. और जो इन दो स्लिट्स के एजेस के बीच की दूरी है, यानी B1 A2, उसका जो सेंटर है वो ये C दिखाया हमने यहाँ पर. अब जो प्लेन वेव फ्रंट होगा, जब इन स्लिट्स के ऊपर आकर टकराएगा, तो ये A1 B1 के ऊपर से और A2 B2 के ऊपर से यहाँ डिफ्रैक्ट होगा. और डिफ्रैक्ट होने के बाद, यदि हमने ये सामने एक लेंस रखा है, तो लेंस में से जो रेज पास होंगी, पास होने के बाद ये एक पैटर्न बनाएगा हमारी स्क्रीन XY के ऊपर. O जो है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है. यदि C से यहाँ देखें, C से यदि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें स्क्रीन के ऊपर, तो O इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन टू द स्क्रीन. अब यहाँ पर XY जो स्क्रीन है, इसके ऊपर हमारे पास पैटर्न बनेगा ब्राइट एंड डार्क, मैक्सिमा एंड मिनिमा बनेंगे. तो वो हम पैटर्न मैथमेटिकली स्टडी करना चाहते हैं कि वो पैटर्न कैसा बनेगा. तो उसमें जैसे हमने लास्ट टाइम में पहले सबसे किया था कि ओ जो सेंट्रल स्पॉट है, सेंट्रल मैक्सिमम, हम यहाँ पर भी सबसे पहले ओ के ऊपर स्टडी करेंगे और पाएंगे कि ये सेंट्रल मैक्सिमम ही बनता है. और उसके बाद फिर हम ऊपर जाते समय या नीचे जाते समय ओ से ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमा मिनिमा है वो किस ढंग से ऑब्टेन होते हैं. तो यदि हम सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमम की बात करें, तो मैंने ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं वहाँ पर पढ़ के भी आपको बताऊँगा, साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा. और ऐसे ही किसी भी पॉइंट पी के ऊपर भी हम ये सारा पैटर्न स्टडी करेंगे. और ये मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया था कि ये जो लेंस है, ये लेंस से जो स्क्रीन की दूरी है, ये एफ़ के बराबर यानी फोकल लेंथ के बराबर होती है, ताकि हम फोकस कर पाएँ. जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, वो आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, दे फॉल ऑन टू एनी पॉइंट पी एट विच दे गेट फोकस्ड. तो यही हमने कहा कि ये द टू स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ डी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आर A1 B1 एंड A2 B2 एंड देयर सेंटर्स आर C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली. द पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ B1 A2 विच इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स सच दैट B1 A2 इज इक्वल टू B.
then the distance between the centers of the slits is C1, C2, and it is equal to t, such that t is equal to b plus t. ये आप करके देख सकते हैं कि t जो है ये b plus t के बराबर आता है. फिर बात आती है सेंट्रल मैक्सिमम की. तो सेंट्रल मैक्सिमम में क्या है कि जो हमारी वेव फ्रंट है, जो कि स्लिट्स A1, B1 और A2, B2 के ऊपर फॉल करते हैं, जब वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होते हैं, जैसे ये देखिए, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, इसके ऊपर इतने हिस्से के ऊपर हमारे पास जब ये प्लेन वेव फ्रंट आकर पड़ेगा, और ऐसे ही A2 B2 के ऊपर आकर पड़ेगा, तो यहाँ से A2 B2 से A2 से और B2 से डिफ्रैक्शन होगा, ऐसे ही A1 से और B1 से डिफ्रैक्शन होगा. और जो यहाँ से वेव फ्रंट वेवलेट्स अमिट होंगे और वो इस लेंस से पास करके ओपर फोकस होंगे, दे ऑल विल बी इन फेज विद ईच अदर. अब जब एक दूसरे के ऊपर इन फेज मिले हैं तो नेचुरली द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज एंड वी विल ऑब्टेन ए मैक्सिमम. तो उसी को हम बोलते हैं ये सेंट्रल मैक्सिमम. तो हमने यही यहाँ कहा है कि द इंसिडेंट वेव फ्रंट फॉलिंग ऑन द स्लिट्स A1 B1 एंड A2 B2 इज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द स्लिट्स. ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स इमर्जिंग आउट ऑफ A1 B1 एंड A2 B2 एंड ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन CO have the same phase and are brought to focus at O by the lens. So these wavelets superpose each other in phase with each other to produce bright maximum at O, and it is called central maximum. तो इसको हम central maximum बोल देते हैं. तो इसीलिए हमारे पास जो O point है, it is a seat of maximum. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी जगह के ऊपर, जैसे O से ऊपर की तरफ जाएं X की तरफ, या O से नीचे की तरफ जाएं Y की तरफ, तो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा ऐसे बनेंगे. तो किसी भी पॉइंट P के ऊपर यदि हम देखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं. तो उसके लिए ये मैंने तभी करके दिखाई है कि यदि A1 से कोई रेज ऑफ लाइट चलती हैं डिफ्रैक्ट होने के बाद, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे आर फोकस्ड एट P. ऐसे ही हमने B1 से दिखाई हैं, ऐसे ही A2 से दिखाई, B2 से दिखाई, और साथ ही साथ C1 और C2 से भी दिखाई. अब क्योंकि ये साइज ऑफ दी स्लिट्स इज अ स्मॉल, तो इसीलिए एंगल हमने सभी जगह थीटा ही लिया हुआ है. तो अप्रॉक्सीमेट किया यहाँ पर कि एंगल थीटा ही रहेगा. तो यही चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रैक्टेड एट एन एंगल थीटा आर ब्रॉट टू फोकस बाई द लेंस. बाई द लेंसेज नहीं है, यहाँ लेंस कर लेंगे. Let A1N be the perpendicular drawn from A1 on the rays from A2 to P. Then path difference between the wavelets from A1 A2 is A2N. ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ से ये देखें A1 से ये रे गई है इधर को, और A2 से गई है ये इधर को. तो जैसे हमने पीछे परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, ऐसे ही हम ये A1 से N परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो A1 से लेकर P तक का और N से लेकर P तक का जो पाथ है वेवलेट्स का, वेव जो वेवलेट्स इमर्ज हुए फ्रॉम A1 एंड A2, वो पाथ सेम होगा. पर स्टार्टिंग A2 पे कहाँ, A2 B2 के केस में A2 से स्टार्ट हुई, और यहाँ A1 B1 के केस में A1 से स्टार्ट हुई. तो इसका मतलब A2N एक्स्ट्रा पाथ हो गया, जो निचले वाली रे ने यहाँ से जाते समय, यानी A2 से N होते हुए फिर P तक पहुँचते समय जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया वो था A2N. और हमने आगे भी किया था कि A2N ओवर A1 A2, यहाँ भी आप कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा. आप ट्राइंगल देख सकते हैं, A1 A2N ट्राइंगल देखो और उसमें से A2N निकालो, तो ये आएगा A1 A2 इंटू साइन थीटा. पर A1 A2
ए वन ए टू इट इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो इसीलिए हमने इसको ये लिख दिया कि ये बी प्लस डी के बराबर है। तो ए टू एन इट इज इक्वल टू बी प्लस डी इन टू साइन थीटा। अब ये है पाथ डिफरेंस, और यदि हमने फेज डिफरेंस निकालना हो तो आपको पता है फेज डिफरेंस डेल्टा इट इज इक्वल टू टू पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये हमने फार्मूला पीछे डिराइव भी किया था, तो इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू टू पाई ओवर लैम्डा इनटू ए टू एन, एंड ऊपर वन इक्वेशन से हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू टू पाई इनटू के बी प्लस डी इनटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पर डेल्टा इज टू पाई ओवर लैम्डा इनटू ए टू एन एंड दिस इज टू पाई ओवर लैम्डा इनटू बी प्लस डी इनटू साइन थीटा। या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं दिस इज और डेल्टा इज इक्वल टू टू पाई ओवर लैम्डा इनटू बी प्लस डी इनटू साइन थीटा एंड कॉल इट एज टू बीटा। से का मतलब मान लो, पर आप याद करो हमने पीछे एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस निकाले थे सिंगल स्लिट के केस में, और आपको याद है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस फ्रॉम ए सिंगल स्लिट वाज गिवन बाय ए इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन अल्फा ओवर अल्फा। ये हमारी पिछली स्टडीज से आ रहा है। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर थ्री वेयर टू अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्लिट्स दैट इज फ्रॉम बिटवीन ए वन एंड बी वन। तो ये हमने आगे किया हुआ है सिंगल स्लिट के केस में। तो सिंस द फेज डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स फ्रॉम ए वन एंड बी वन इज डी साइन थीटा, ये भी हमने किया था ना, याद करो सिंगल स्लिट के केस में हमने कहा था कि जो उस केस में फेज डिफरेंस होता है वो डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस जो होता है, तो पाथ डिफरेंस हमने किया था डी साइन थीटा होता है। तो ये पाथ कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस ये पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम ए वन एंड बी वन इज दिस मच। तो इसीलिए हमने कहा कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू डी साइन थीटा, क्योंकि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई ओवर लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो इसीलिए हमने 2 अल्फा पीछे मान लिया ना, ये 2 अल्फा जो है हमारे पास, 2 अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज। तो इसीलिए हमने ये भी हमने आगे पढ़ा हुआ है। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू डी साइन थीटा, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3a। अब हमारे पास दो स्लिट्स से एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं, और दोनों स्लिट से एम्पलीट्यूड्स ए वाले हैं, एम्पलीट्यूड ए वाला है। तो रिजल्टेंट निकालना हो तो आप याद करो, आप रिजल्टेंट के लिए करते हैं फार्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आ गया, या आप कह लो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा लेते थे, तो पी भी ए के बराबर है और क्यू भी ए के बराबर है, और एंगल जो है वो डेल्टा के बराबर है, फेज एंगल, तभी करके हमने कहा ना। पर हमने कहा था कि ये टू बीटा के बराबर है, तो हम इसका यूज़ करेंगे जो हम पीछे यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि इफ़ आर इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवलेट्स रीचिंग एट पी फ्रॉम बोथ दी स्लिट्स, अब दोनों के कारण पहुंच रहे हैं ना, आप यहाँ डायग्राम द्वारा देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें ये देखो, ये इस स्लिट से भी पहुंच रहे हैं यहाँ पी के ऊपर, और निचले वाली स्लिट से भी पहुंच रहे हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ए था, तो दोनों से ए पहुंच रहे हैं, और उनके बीच में अपना फेज डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया आर टोटल रिजल्टेंट जो आएगा इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस टू ए इंटू कॉस डेल्टा, बट डेल्टा इज इक्वल टू टू बीटा। ये यहाँ पर आपको बताया हमने, पीछे भी कहा था हमने, अब अज्यूम किया हमने, तो इसलिए हमने इसको ऐसे पुट कर दिया कि दिस इज इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर कॉस टू बीटा। अब पर आप याद करो कॉस टू बीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस वन,
तो इसीलिए हम आर को ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a² प्लस 2a² ब्रैकेट स्टार्ट्स 2cos² β माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। और आप इसको सॉल्व करें तो देखेंगे कि 2a² कट जाएगा और अंडर रूट आएगा हमारा 4a² cos² β, और जब आप अंडर रूट लेंगे तो वी विल गेट 2a cos β। सो देयरफॉर जो हमारा रिजल्टेंट आया वो आया 2a cos β, और a की हम वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 3। ये देखिए पीछे इक्वेशन हमने 3 में आपको बताया हुआ है कि स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल a इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो वी गेट r कैपिटल r इट्स इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट्स 2 इंटू कैपिटल a इंटू साइन अल्फा और अल्फा ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस बीटा, टू कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब यदि आप इंटेंसिटी देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो इंटेंसिटी देखनी है ना, इंटेंसिटी एट पी, और आप याद करो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, और इस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आर है दोनों स्लिट्स के कारण जो वहाँ हमारे पास पी के ऊपर ऑब्टेन हुआ। तो इसीलिए आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 से, तो व्हाट डू वी गेट, आई इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स इंटू 2a साइन अल्फा और अल्फा कॉस बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन स्क्वायर्ड। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4k a² इंटू साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये हमारे पास आया। अब यदि आप 4 ये के ए स्क्वायर आप याद करो, पीछे हम कहते थे इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल स्लिट के केस में हमने जो किया था, तो आई नॉट हमने इसको एज्यूम किया था, तो हम इसको आई नॉट लिख के ये लिख सकते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 4i0 साइन स्क्वायर अल्फा और अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर द केस ऑफ टू स्लिट्स। तो ये हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी दो टर्म्स इसमें आ रही हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए एक ये टर्म आ रही है, ये वाली साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर वाली टर्म, और एक टर्म आ रही है कॉस स्क्वायर बीटा वाली। ये तो यही इक्वेशन 5 से हम कह रहे हैं कि क्लियरली द इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू डबल स्लिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। कौन कौन सी, द टर्म कॉस स्क्वायर बीटा रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू टू स्लिट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस टी या फिर ए डिस्टेंस टी अपार्ट, और दूसरी जो टर्म है द टर्म आई नॉट, क्योंकि आई नॉट इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, तो साइन स्क्वायर अल्फा और अल्फा स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो ये अब हम इन दोनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स से मिलके टोटल इंटेंसिटी बनेगी, तो यही हम आगे सारा का सारा स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों को मिला के कैसे आएगा। तो पहला है डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑन कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसमें ए पार्ट हम लेते हैं कंडीशन फॉर अक्रेंस ऑफ मिनिमा, क्योंकि मिनिमा और मैक्सिमा की बात आएगी ना, तो पहले मिनिमा की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन 5 से जो हम पीछे लिख चुके हुए हैं, अभी पीछे आप देख रहे हैं ये इक्वेशन 5। अब ये इंटेंसिटी यदि हम सिर्फ इसकी बात करें इस हिस्से की, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। यहाँ मिनिमम तब होगी जब कॉस बीटा जीरो आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बीटा जीरो आएगा तभी इंटेंसिटी जीरो बनेगी। तो उसका मतलब कॉस बीटा जीरो आ गया, या फिर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 into π/2। तो
वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। ये आपको कंडीशन पता है कैसे आती है, दिस इज नोन, आई एम नॉट रिपीटिंग इट। तो पाई बाई टू के मल्टीपल्स में आनी चाहिए, 1 × 3 × 5 × प्लस या माइनस। पर आप याद करो जो बीटा है हम इक्वेशन टू में आगे हम कर चुके हुए हैं अपने, तो ये हम आपको दोबारा इक्वेशन टू दिखा देते हैं कि ये इक्वेशन टू हमने की थी कि ये डेल्टा ये इसके बराबर था 2 बीटा के बराबर, और यदि 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीटा निकल आएगा, बीटा इज पाई ओवर लैम्डा इनटू बी प्लस डी इनटू साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने उसमें ये पुट किया है कि 2 बीटा इज इक्वल टू बी प्लस डी इनटू साइन थीटा। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू पाई ओवर लैम्डा इनटू बी प्लस डी इनटू साइन थीटा। तो ये चीज़ हम यहाँ ऊपर पुट कर देते हैं यहाँ कंडीशन में, तो हमारे पास क्या आया, ये नीचे हमारे पास आ गया, देयरफोर पाई ओवर लैम्डा इंटू बी प्लस डी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई टू। तो ये हमारे पास आ गई, इसमें आप देखें पाई तो कट गया दोनों ओर, पाई दोनों ओर कट गया, और ये लैम्डा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया बी प्लस डी इट इज इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 इंटू लैम्डा बाई टू, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमारी मिनिमा की कंडीशन आ गई, जैसे हमने सिंगल स्लिट के केस में किया था वैसे ही हम यहाँ पर डबल स्लिट के केस में कर रहे हैं। तो यही हम कह रहे हैं, दैट इज द मिनिमा विल अकर एट दोज पॉइंट्स वेयर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम द टू स्लिट्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ओवर टू। ये थी मिनिमा की कंडीशन ड्यू टू द कॉस स्क्वायर बीटा फैक्टर। अब बात आती है कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ मैक्सिमा ड्यू टू कॉस स्क्वायर बीटा फैक्टर। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होती है जब कॉस स्क्वायर बीटा 1 के बराबर आएगा, तो यही कहा कि आई विल बी मैक्सिमम। आप इक्वेशन पीछे 5 को देख सकते हैं, वहां पर कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम आएगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 तब होगा जब कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, या फिर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। सो इसीलिए हम यदि फिर वही पिछले वाली इक्वेशन इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने पिछले केस में एक्सप्लेन किया, तो मेरे पास आएगा बी प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ये लैम्डा आना चाहिए था, ये गलती से पाई लेके हुए हैं, यहाँ हम लैम्डा कर लेते हैं इसको, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको अपने आप क्लियर आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये लैम्डा आएगा प्लस माइनस एन लैम्डा, क्योंकि पिछले केस में ये था जैसे आपने ऊपर डिराइव किया तो वो 2n+1 इंटू लैम्डा ओवर 2 था, तो यहाँ पर एन लैम्डा आएगा सॉल्व करने पर। तो ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमा ड्यू टू कॉस स्क्वायर बीटा फैक्टर। अब हम स्टडी करते हैं दूसरा फैक्टर, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑन आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर। अब देखिए कि यदि साइन अल्फा इज 0 देन द इंटेंसिटी टर्म विल रिड्यूस टू 0, पर यहां पर कंडीशन होगी कि अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यदि अल्फा 0 आ गया तो फिर तो साइन अल्फा ओवर अल्फा ये तो इंडिटर्मिनेट बन जाता है, तो वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए नाउ साइन अल्फा इज 0 इफ अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, यहां देख सकते हैं आप, तो एन इज 1, 2, 3 एटसेट्रा, इट इज नॉट 0 तभी करके ना। तो इसीलिए हमने कहा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3a, ये हम फिर आपको पीछे इक्वेशन 3a दिखा देते हैं कि ये हमारी 3a थी वही इक्वेशन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू डी साइन थीटा वाली, तो हम वही इक्वेशन लेके चल रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3a पाई ओवर लैम्डा इनटू डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई एन लैम्डा ओवर डी, क्योंकि पाई तो कट जाएगा दोनों ओर,
यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, तो विच गिव्स दी एंगुलर पोजिशन ऑफ मिनिमा। तो ऐसे ही यदि हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा आर ऑब्टेन्ड एट द पोजिशंस वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्योंकि साइन स्क्वेयर अल्फा वन आना चाहिए, तो साइन स्क्वेयर ये ऊपर देखो इससे, इसमें साइन स्क्वेयर अल्फा और अल्फा स्क्वेयर है, तो साइन स्क्वेयर अल्फा वन के बराबर आएगा, तब मैक्सिमम होगा ना साइन स्क्वेयर की वैल्यू, या फिर साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, प्लस माइनस सेवन पाई बाई टू एंड सो ऑन। अब प्लस माइनस पाई बाई टू हमने छोड़ दिया हुआ है क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू पुट करके हम पाएंगे कि पाई बाई लैम्डा, आप पिछले इक्वेशन 3a से देख सकते हैं, पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, वेयर एन इज इक्वल टू, यहाँ ये अगले लाइन के ऊपर आ गया है, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री सो ऑन। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई पाई कट जाएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा ओवर टू डी, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ से हम ये दो केसेस स्टडी किए, फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द टू केसेस वी फाइंड दैट द इंटेंसिटी वेरिएशन एट पी इज द रिजल्टेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ टू स्लिट्स एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट। मतलब कहने का कि जो दो स्लिट्स हैं उनका भी पैटर्न और सिंगल स्लिट का पैटर्न जब आपस में मर्ज करते हैं दोनों, तब करके नेट हमारे पास रिजल्टेंट आता है। जैसे ये देखिए, ये कॉस स्क्वायर बीटा की वेरिएशन दे रहा है, ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है ये कॉस स्क्वायर बीटा की वेरिएशन दे रहा है इंटेंसिटी की, और ये जो सेकंड पार्ट है ये साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू आई नॉट की वेरिएशन दे रहा है। ये और ये जब मर्ज करेंगे आपस में, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो ये इस ढंग से रिजल्टेंट बनेगा। ये देखिए, ये बीच बीच में ये बढ़ रही है, ये बढ़ी, ये मैक्सिमम, और फिर ये मिनिमम होना शुरू हो गया, और ये फिर ऐसे ही ऐसे आगे चलेगा। तो ये जो रिजल्टेंट है i इक्वल टू फोर आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये जो रिजल्टेंट है ये दोनों फैक्टर्स, ये ऊपर वाले यानी ये कॉस स्क्वायर बीटा फैक्टर और i नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, ये दोनों का कम्बिनेशन है जिसके कारण ये रिजल्टेंट ग्राफ बनता है। तो यही यहाँ पर हम यहाँ बताना चाहते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आ जाता है कि इसमें मिसिंग ऑर्डर्स क्या क्या है। देखो, मिसिंग ऑर्डर है क्यों, जब आपस में इंटरफेयर करते हैं डबल स्लिट और सिंगल स्लिट के पैटर्न आपस में सुपरपोज कर जाएंगे, तो उसके कारण कुछ पोर्शंस ऐसे होंगे यहाँ पर इंटेंसिटी आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारी सिंगल स्लिट है वो कहती है उस मान लो पी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा बने, जबकि जो हमारा जो डिफ्रैक्शन जो डबल स्लिट के कारण जो हैं वो कहती है वहाँ मिनिमम बने। तो जब नेचुरली दोनों मिलेंगे तो क्या रिजल्टेंट होएगा, रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि इफ ए सर्टन पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम ऑफ टू स्लिट्स ए डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू ए सिंगल स्लिट आल्सो प्रेजेंट इज आल्सो प्रेजेंट देन ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम द मैक्सिमम विल बी मिसिंग इन द रिजल्टेंट पैटर्न। तो दोज आर कॉल्ड मिसिंग ऑर्डर्स ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो नेचुरली है, अब आप याद करो कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ड्यू टू डबल स्लिट टू स्लिट्स के कारण, नाउ द वैल्यू इज गिवन बाय डी प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा ओवर डी प्लस बी, कॉल इट इक्वेशन 9 वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा। आल्सो डिफ्रैक्शन मिनिमम फॉर सिंगल स्लिट दैट इज गिवन बाय डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस
एम लैम्डा वेयर एम इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो हम यहाँ से भी साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा ओवर डी। अब ये साइन थीटा जो है ये डबल स्लिट्स के लिए है, खास एंगल पे, थीटा एंगल पे, ये सिंगल स्लिट के लिए है, पर ये ऊपर वाला मैक्सिमम प्रोड्यूस करता और नीचे ये इक्वेशन 10 ये मिनिमम प्रोड्यूस करती है। अब जब दोनों मिलेंगे आपस में तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, वो एबसेंट हो जाएगा मैक्सिमम। सो देयरफॉर यही हमने लिखा कि फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा टू बी एबसेंट दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9 मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 10, दैट इज प्लस माइनस एन लैम्डा ओवर डी प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा ओवर डी, या फिर प्लस माइनस कट गए, एन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम इंटू डी प्लस बी ओवर डी, लैम्डा भी कट गए। सो विच गिव्स दी कंडीशन फॉर मिसिंग मैक्सिमा, क्लियरली डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट्स। तो नेचुरली है सेपरेशन अपॉन विड्थ एंड सेपरेशन, दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रही, डी के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। तो ये वाले जो हमारे मैक्सिमा हैं वो मिसिंग ऑर्डर्स होंगे। तो ये हमारे पास डबल स्लिट जो थी उसमें कैसे डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, तो वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और आने वाले टाइम में हम फर्दर चलेंगे इसको स्टडी करने के लिए, तो विल बी वेटिंग अप टू दैट। तो अगला लेक्चर विल बी मीटिंग विद अ न्यू टॉपिक, अंटिल दैट यू कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। थैंक यू।